Good morning, my dear students. I am Rajeshwaripatho, your maths teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mokamagat Welcome you to my maths class. My dear students, in our previous classes, we have learned a lot of things about building with bricks. Now, in today's class, we are going to start a new topic the second chapter from your math magic book 4 long and short. Now, long and एंड शॉर्ट आर द नोन वर्ड्स फॉर यू बेटा आप लोग जानते हैं लॉन्ग का मतलब होता है लंबा शॉर्ट का मतलब होता है छोटा है ना तो चलिए लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऊपर आधारित कुछ और एक्टिविटीज भी हम लोग करेंगे हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स ना आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा मैपिंग किया हुआ है एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कि बहुत सारे डॉट्स हैं एंड दीज डॉट्स आर पुट रैंडमली ये सारे डॉट्स को जहाँ तहाँ रख दी गई है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल डिड यू गेस राइट बेटा यहाँ पे जो डॉट्स दिए हुए हैं कोई दो डॉट को आपको चुनना है और ये इसका लेंथ कितना हो सकता है एक से दूसरे की दूरी कितना हो सकती है वो पहले आपको गैश करनी है तो चलिए हम लोग देखते हैं एल एंड ए पे देखिए बेटा ये रहा एल और ये रहा ए सो so, इसकी दूरी इसकी दूरी को आप लोग गैश करिए कि ये कितने एक दूसरे के बीच में कितने का गैप रह सकता है सो इट्स प्रोबेबली थ्री सेंटीमीटर्स ओके इट्स प्रोबेबली थ्री सेंटीमीटर्स हम लोग यहाँ पे गैश कर रहे हैं लेकिन आपको क्या करनी है अपने ज्योमेट्री बॉक्स से अपना स्केल निकालनी है और स्केल निकालने के बाद स्केल से उसको नापना है आपने देखा होगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है वो पंद्रह सेंटीमीटर्स का होता है है ना वो जीरो से शुरू होती है तो जब आप नापना शुरू करोगे कोई भी डॉट्स की दो डॉट्स की दूरियां तो एक को जीरो के ऊपर रखोगे दूसरे को वहाँ से नापोगे तो आपको उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा ठीक है सो so, बिल्कुल इसी तरह ये काम आपको करना है नाउ विच टू डॉट्स यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर इनमें से वो कौन से दो डॉट्स हैं जो कि एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी बनाते हैं सो so, ज़रा आप लोग कैश करिए वो कौन से दो डॉट्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से सबसे दूरी को मेंटेन करते हैं सो ये हो गया ओ एंड एम ओ एंड एम इन दोनों की दूरी ये जितने सारे डॉट्स दिए हुए हैं उनमें से अगर आपस में दूरी नापा जाए तो ओ एंड एम की दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी मेंटेन करते हैं दे आर द फारदेस्ट लाइन इन दिस गिवन पिक्चर सो इसका आंसर हो जाएगा ओ एम ठीक है विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर इनमें से वो कौन से दो डॉट्स है जो कि एक दूसरे से सबसे करीब है सो so, इसमें देखिए जहाँ तक ये बताया जाता है तो इसमें एक है एफ एम है और एक है ओ डी है लेकिन एफ एम और ओ डी में अगर देखा जाएगा तो इन दोनों की दूरी लगभग एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ओ डी जरा सा छोटा है ठीक है सो so, इसका आंसर हो जाएगा ओ एंड डी ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेमस किंग ही स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल गेव हिम अल्ट क्वेश्चन ही ड्रीव अन द्लोर देखो आपको पता है मुगल एम्प्रॉर अकबर की कहानियां और अकबर बीरबल के किस्से जो हैं जो कहानियां हैं वो दुनिया भर में फेमस कहानियों में से माने जाते हैं है ना? तो अकबर से भी आप लोग इनडायरेक्टली परिचित हो है ना? सो so, अकबर एक महान राजा थे और उनके दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल वह अपना हाजिर जवाबी और तेज बुद्धि के लिए ना बहुत ही प्रसिद्ध थे तो अकबर हमेशा कठिन कठिन पहलिया और चुनौतियाँ उनके सामने रखते जाते और बिरबल उनको उसका समाधान निकालते जाते हैं वो कभी भी अपना समाधान निकले में पीछे नहीं हटे हैं तो अकबर ने क्या किया फ्लोर पर एक लाइन ड्रा कर दिया और फिर बिरबल को बताया कि बिरबल हियर इज़ अ लाइन मेक इट शार्टअर विदाउट इरेजिंग बीरबल यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा किया है और अभी आपको इसको कोई भी तरफ से इरेज किए बिना, ठीक है आपको ये लाइन को छोटा साबित करनी है तो अकबर ने अपना अकल दौड़ाई उन्होंने क्या किया उसके सामने ही एक बहुत बड़ा लंबा लाइन खींच दिया तो अभी देखिए ना योर लाइन इज शॉर्टर मैजेस्टी महाराज अब देखिए मेरे लाइन के साथ अगर आपके लाइन को कॉम्पेयर किया जाएगा ना तो आपका लाइन तो अपने आप ही शॉर्टर हो गया ना ही मैंने इसको इरेज किया है ना ही मैंने इसको कुछ और किया है तो उन्होंने अपने बुद्धि मता, मता का परिचय दे दिया है ना नाउ लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बिरबल मेड अकबर लाइन शॉर्टर ये पिक्चर को देखकर आप खुद जानने की कोशिश करिए कि अकबर को गलत साबित करने के लिए बिरबल ने अपना कौन कौन से तरीकों को अपनाया है ना यू कैन बी एज स्मार्ट इज बिरबल अभी आप